आप में से बहुत से लोग इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं और आप सबके रेगुलर मुझे कमेंट्स मिलते हैं कि सर बेस्ट इन्वेस्टिंग बुक्स की एक लिस्ट बताइए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन सी बुक्स हैं शेयर बाजार के बारे में सीखने के लिए सबसे अच्छी, हिंदी और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेजेस की बुक्स आज हम डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रांजल कामरा। शुरू करते हैं फिनोलॉजी। हम सब शेयर बाजार के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, इसके लिए आप में से कई लोग टाइम देने को भी तैयार हैं। देखिए, शेयर बाजार के बारे में सीधे बुक्स पढ़ने से पहले जरूरी है कि हम उन चीज़ों के बारे में जान लें जिन प्रिंसिपल्स पे, जिन कंसेप्ट्स पे शेयर बाजार बेस्ड है। क्योंकि सीधा अगर हम ये जानने बैठ जाएं कि कौन सी कंपनी का शेयर अच्छा है, कौन सी कंपनी का शेयर बुरा है, प्राइस कैसे ऊपर नीचे होता है, सीधा अगर आप इसके बारे में पढ़ने लगेंगे तो आपके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होंगे। शेयर बाजार के बारे में पढ़ने से पहले ज़रूरी है कि आप जानें कि मनी कैसे वर्क करता है, करेंसी की वैल्यू ऊपर नीचे कैसी होती है, इकोनॉमी कैसे वर्क करती है, कंपाउंडिंग कैसे वर्क करती है, सेविंग करने के इफेक्ट क्या होते हैं, यानी कि पैसे से जुड़ी हुई सारी जानकारियां लेना सबसे पहले जरूरी है। तो इसके लिए मैं आपको दो बहुत अच्छी किताबें बताता हूं जो हिंदी में भी अवेलेबल है। तो पहली किताब है रिच डैड पुअर डैड। इस किताब में आपको बताया जाएगा कि जो सच में अमीर लोग हैं वो अमीर कैसे बनते हैं, वो कैसे सोचते हैं, वो हर दिन काम कैसे करते हैं और वो बाकी लोगों से क्या अलग करते हैं कि पैसा उनके प्रति अट्रैक्ट होता है, क्या डिफरेंट करते हैं वो। इसके बाद आती है दूसरी किताब, थिंक एंड ग्रो रिच। ये किताब आपको विश्वास दिलाएगी कि आप भी एक दिन बहुत अमीर बन सकते हैं, आप भी बहुत सक्सेसफुल बन सकते हैं और जो आप चाहें वो आप ज़रूर हासिल कर सकते हैं। ये किताब बहुत अच्छी मोटिवेशन आपको प्रोवाइड करेगी। तो हिंदी में ये दो सबसे अच्छी किताबें हैं। अनफॉर्चुनेटली हिंदी में बहुत अच्छी किताबें शेयर बाजार के ऊपर उपलब्ध नहीं है, जो हैं वो काफ़ी बेसिक हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा गैम्बलिंग या इंट्राडे सरी की चीज़ों को लेके हैं, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि आप लोग पढ़ें। तो इसके बाद कुछ बात कर लेते हैं इंग्लिश किताबों की और इस वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा कि अब आपके पास इन्वेस्टिंग सीखने का सबसे अच्छा तरीका अवेलेबल है हिंदी में भी, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अब बात करते हैं तीसरी किताब की जो है इंग्लिश में, यह है धंधो इन्वेस्टर। इस किताब में आपको बताया जाएगा कि गुजरात के कुछ पटेल्स कैसे अमेरिका में जाके उन्होंने सारी कम्युनिटी ने बहुत सक्सेसफुल बिजनेसेस मैनेज किए, बिजनेसेस क्रिएट किए, वो भी तब जब उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था। और साथ ही आप जानेंगे कि कैसे एक बिजनेस को खड़ा किया जाता है, उसको सक्सेसफुल बनाया जाता है और कैसे शेयर बाजार में आप ऐसी कंपनियाँ ढूंढ सकते हैं जो आगे जाके सक्सेसफुल होंगी। और क्योंकि इस किताब के ऑथर भी इंडियन ओरिजिन के हैं तो वो काफी इंडियन एग्जांपल्स देते हैं और काफी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने इस किताब में सब कुछ समझाया है। चौथी किताब है लर्न टू अर्न। ये किताब बिगनर्स को जो इस मार्केट में नए हैं उन्हें जरूर पढ़नी चाहिए। कैसे शेयर्स को पिक किया जाए, कैसे अच्छी कंपनी और बुरी कंपनी में फर्क किया जाए, कैसी नई कंपनियों को पहचाना जाए, ये सारे कंफ्यूजन जो एक बिगनर को होते हैं वो ये किताब बहुत बहुत सिंपल तरीके से, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट्स के साथ सॉल्व कर देती है। पांचवी है The Education of a Value Investor। ये किताब में आपको बहुत ज्यादा नंबर क्रंचिंग या फिर अकाउंटेंसी के बारे में नॉलेज नहीं मिलेगी, लेकिन आपको बताया जाएगा कि कैसे एक अच्छा इंसान होना जरूरी है एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए, कैसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी हमारी इन्वेस्टिंग डिसीजंस को भी अफेक्ट करती है। जो आप जिंदगी में रोज करते हैं, अगर आप रोज ईमानदारी से जीते हैं, अगर आप रोज लोगों की मदद करते हैं, अगर आप अपनी डेली लाइफ में एक अच्छे इंसान हैं तो आपके एक अच्छा इन्वेस्टर बनने की चांसेस भी बढ़ जाती हैं। वहीं हम में से कुछ लोग अगर कुछ ऐसे काम करते हैं हमारी जिंदगी में जो हमें नहीं करने चाहिए तो ज्यादा चांसेस होंगी कि स्टॉक मार्केट में भी हमारा नुकसान बढ़ता चला जाएगा। और छठवीं किताब है वह इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। ये किताब है तो डेफिनेटली बहुत अच्छी और हर किसी को जरूर पढ़ना चाहिए, लेकिन जैसे चाहे वो पुराने धर्म ग्रंथ हो या बहुत ज्यादा पुरानी किताबें हों, फिर वो चाहे इंग्लिश में हो या हिंदी में, क्योंकि उनके शब्द उनकी भाषा भी उस जमाने की होती थी तो आज हमें पढ़ने में दिक्कत आती है। जैसे अगर कोई बहुत ही क्लासिकल इंग्लिश की नॉवेल है वो पढ़ने में हमें दिक्कत आती है, या फिर अगर हम हिंदी में पढ़ते हैं तो बहुत पुरानी हिंदी है या संस्कृत है तो वो पढ़ने में भी हमें दिक्कत आती है। वही थोड़ी सी दिक्कत इस किताब के साथ भी है। इसकी लैंग्वेज ऐसी
ऐसी है कि कई बार बिगनर्स को समझना मुश्किल हो जाता है, इसलिए सबसे पहले आप ये किताब पढ़ें ऐसा मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन ज़रूर जब आप जो इसके पहले मैंने किताबें मेंशन की हैं वो पढ़ लें, उसके बाद ज़रूर आप इस किताब को भी पढ़ सकते हैं। तो अगर आगे भी आप मुझसे कुछ ऐसा चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ या कुछ अलग तरह की सर्विस लाऊँ जो आप लेना पसंद करेंगे, तो ज़रूर आपके कॉमेंट्स का मैं इंतज़ार करूँगा, क्योंकि मुझे मेरे सारे आइडियाज़ आपसे ही मिलते हैं, जो आप चाहेंगे मैं वो लेके आऊँगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से प्लीज़ दबा दीजिए सब्सक्राइब बटन को और इस बेल आइकन को, ताकि आपको मिलते रहें बेस्ट इन्वेस्टिंग वीडियोज़ सबसे पहले। तो मैं लाता रहूँगा ऐसे और बहुत सारे वीडियोज़, तब तक के लिए दिस इज़ प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।